हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्रेडल कैप के बारे में, जो जनरली एक प्रॉब्लम न्यूबॉर्न बेबीज में देखा जाता है। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि इसका ट्रीटमेंट आप घर पे ही रह के कैसे कर सकते हो। आप ये पिक्चर देखिए और अगर आप इस पिक्चर से रिलेट करते हैं तो इस वीडियो को डिटेल में ज़रूर देखिए। काफ़ी पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि इस जो पिक्चर में आप देख रहे हो, इस कंडीशन को क्रेडल कैप बोला जाता है। काफ़ी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को डैंड्रफ हो रही है या उसके सिर पर पपड़ी जम रही है या उसके सिर पर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, बट इसका एक्चुअल टर्म जो है, मेडिकल टर्म, वो क्रेडल कैप है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्रेडल कैप क्या होता है। नॉर्मली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जब बेबी पैदा होता है या फिर पैदा होने के कुछ टाइम बाद भी, ये कंडीशन है जो बेबी के स्कैल्प पे, जो इसके सिर का ऊपर का एरिया है, यहाँ पे जनरली देखी जाती है। ये कंडीशन में क्या होता है कि जो स्कैल्प है वो आपको दिखेगा बहुत ड्राई है, या आपको लगेगा स्कैल्प की स्किन उतर रही है, या आपको लगेगा कि फ्लेकी सी स्किन है, मतलब डैंड्रफ की तरह से कुछ कुछ निकल रहा है, पपड़ी सी लगेगी, येलोइश कलर की पपड़ी दिखेगी या फिर ब्राउनिश कलर की पपड़ी दिखेगी। बहुत रेयर होता है कि मतलब इस कंडीशन में खून आ रहा हो, ऐसा नहीं होता है। टिपिकली ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत ड्राई होती है और फिर थोड़ा थोड़ा गीला होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसमें पस आ रही है या इसमें पपड़ी फॉर्म हो रही है। एज पेरेंट्स हम इसको देख के काफ़ी डर जाते हैं। ऑब्वियसली हम यूज टू नहीं होते हैं ऐसा कुछ देखने के और हम इमिजिएटली डॉक्टर्स के पास भागते हैं, बट डॉक्टर्स हमें जनरली एडवाइस करते हैं कि अगर बहुत ही सीरियस सिचुएशन ना हो, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि किन केसेस में आपको एक्चुअल में डॉक्टर अटेंशन की ज़रूरत है, तो आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। घर पर बैठे हुए ही बेसिक हेयर केयर करके आप इसका सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन को क्रेडल कैप बोला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी ये बच्चों में होता कब है। नॉर्मली 3 महीने से छोटे बच्चों में ये कंडीशन देखी जाती है। कुछ बच्चे इसके साथ पैदा होते हैं, कुछ बच्चों को ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, कुछ महीनों बाद, कुछ वीक्स बाद हो जाता है, बट जनरली बहुत छोटे बच्चों में ये सिचुएशन देखी जाती है। बट बच्चों के साथ आप कुछ नहीं कह सकते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बड़े बच्चों में भी कई बार ये सिचुएशन हो जाती है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बच्चों के साथ कभी भी हो सकता है, बट जनरली छोटे बच्चों में होता है। अब बात करते हैं इसका कॉज क्या है, क्यों हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स गिल्टी फील करते हैं कि शायद वो बच्चे का हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सर का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, हेयर केयर या स्कैल्प केयर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो गया। प्लीज़ आपको इसके लिए गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आप डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि ये बहुत कॉमन है, इसका हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में इसका जो रूट कॉज है, ये क्यों होता है, ये आज तक पता ही नहीं चला है। कुछ स्टडीज़ ये बोलती हैं कि मदर से जो बच्चे को हार्मोन्स ट्रांसफ़र होते हैं, कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रीशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक लेयर है जो सिर पे बन जाती है, बट धीरे धीरे करके, बेसिक हेयर केयर करके, ये अपने आप ही चली जाती है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स एक्चुअल में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप घर बैठे हुए इस कंडीशन का कैसे ध्यान रख सकते हो। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस कंडीशन, बच्चों के स्कैल्प की आप घर पे बैठे हुए कैसे केयर कर सकते हो, वो आपको अब इन स्टेप्स में पता चलेगा। तो इस पार्ट को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑयलिंग। अब मैं आपको बता दूं, हम कबीर को डेली सिर पे ऑयल मसाज देते आए हैं, छोटे होते से लेके अभी तक उसका ये चल रहा है। मुझे लगता है ऑयलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कैल्प को नरिश करने के लिए, उसको मॉइस्चर ऐड करने के लिए, और जनरली जो आपके स्कैल्प की, आपके बालों की हेल्थ, उसकी हेयर ग्रोथ, स्ट्रेंथ होती है, उसको मेंटेन करने में ऑयलिंग एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। स्पेशली क्रेडल कैप के केस में ऑयलिंग कैसे हेल्प करता है, जब आप बच्चे को ऑयल कर देते हैं और उसका स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उसके कुछ देर बाद, आधे पौने घंटे, एक घंटे बाद, आप एक बेबी ब्रश लीजिए जो बिल्कुल सॉफ्ट बेबी ब्रश है, और हल्का हल्का बेबी ब्रश यूज़ करके जो ये क्रेडल कैप जहाँ पे हुआ हुआ है उस एरिया पे बिल्कुल हल्का हल्का ब्रश लगा के कोम कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो ड्राई फ्लेक्स हैं या जो थोड़ी थोड़ी पपड़ी सी निकल रही है वो बहुत ही आसानी से क्लीन ऑफ हो जाएगी, वो उतर जाएगी। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऑयल ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए ताकि जो एरिया है वो बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ हो। अगर आप ड्राई एरिया में कोम करने की कोशिश करोगे या पपड़ी को निकालने की कोशिश करोगे, उससे खून आने का चांस होता है, और जहाँ खून आ गया वह
वहाँ पे वो जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है। जैसे टिपिकली किसी चोट में या एक मस्कीटो बाइट में भी होता है कि अगर आपको एक चींटी ने काट लिया या एक मच्छर ने काट लिया और आप उसे स्क्रैच करी जा रहे हो तो उससे खून आ जाएगा, तो वो बिगड़ जाएगा, उसका निशान रह जाएगा, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। सिमिलरली क्रेडल कैप के केस में भी आप, बहुत ही ज़रूरी है कि जो एरिया है वो या तो वेट हो या फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ ऑयल से, जिससे कि आप इसे आराम से निकाल पाएँ। अब सवाल ये आता है कि कौन सा ऑयल यहाँ पे यूज़ किया जाए। देखो, नॉर्मली आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, बट एक ऑयल जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो स्पेशली क्रेडल कैप को सूद करता है, वो है ममा अर्थ का नरिशिंग हेयर ऑयल फॉर बेबीज। इस हेयर ऑयल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आलमंड ऑयल, लैवेंडर ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन तीनों का मिक्स स्पेसिफिकली क्रेडल कैप को सूद करने में बहुत ही हेल्प करता है, क्रेडल कैप को आराम देने में बहुत हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस ऑयल में आपको जोजोबा ऑयल भी मिलेगा, आपको एवोकाडो ऑयल भी मिलेगा, विटामिन ई भी मिलेगा। ये सब चीज़ें भी जो बालों की ग्रोथ होती है, बालों की हेल्थ होती है, सॉफ्टनेस, शाइन, हर चीज़ पे जाके इफेक्ट देता है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे, इसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल ऑयल है जो बच्चे के स्कैल्प और बच्चे की हेयर केयर में बहुत ही मदद करता है। ये एक 100 ml की बॉटल है, 299 रुपीस इसका MRP है। 0 to 10 ईयर्स तक के बच्चों पे आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बॉटल दिखा देती हूँ, पंप स्टाइल की बॉटल है, तो इसको लेना भी बहुत आसान है। आप पंप करके निकाल सकते हैं जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने एकदम से पलटा और स्पिल ओवर हो गया, बहुत ज़्यादा ऑयल गिर गया, तो दैट वेज भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी हैंडी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है जो काफ़ी हार्मफुल होता है बच्चों के लिए, इसलिए उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है और ये नॉन स्टिकी है, मतलब ऐसा आपको चिपचिपा सा फील नहीं होगा, जो बहुत ज़रूरी होता है। जब चिपचिपाहट सी फील होती है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता, तो दैट मीन्स इट्स वेरी गुड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है, सारे ऑयल्स के जितने भी अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं वो मिल के हमें उसका रिजल्ट मिलने लग जाता है। तो दैट मीन्स मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है व्हेन इट कम्स टू हेयर ऑयल फॉर बेबीज। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कैसे आपको रोज ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग करने के कुछ देर बाद आपको बहुत जेंटली कोब करना है और जो भी फ्लेक्स आपको बच्चे के सिर के ऊपर दिख रहे हैं उसको धीरे धीरे से हटा देना है। मेक श्योर आप ये प्रोसेस रोज करें। आप ये ना सोचें कि अभी गर्मी है या सर्दी है तो मुझे रोज ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। ऑयलिंग आप बच्चे के सिर पे रोज कर सकते हैं, जब तक कि आप एक अच्छा ऑयल यूज कर रहे हैं और जब तक आप इंश्योर कर रहे हैं कि आप सेम डे उस ऑयल को वॉश ऑफ भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर भी ऑयल सिर पे नहीं रहना चाहिए। तो अब हमने पहले स्टेप में देख लिया कि हम ऑयलिंग से क्रेडल कैप को कैसे आराम देंगे। अब बात करते हैं कि हम वॉशिंग से क्रेडल कैप को कैसे आराम देंगे। तो अब ऑयल लगाए हुए एक घंटा हो चुका है, अब बारी है बच्चे को नहलाने की। नहलाने के टाइम पे हमें बच्चे को एक जेंटल और एक अच्छे बेबी शैम्पू से उसके सर को क्लीन करना है और उसके बाद पानी से उसे धो देना है, जिससे जो बचे कुचे फ्लेक्स हैं वो भी निकलना शुरू हो जाएंगे और इससे भी बच्चे को क्रेडल कैप में बहुत आराम मिलेगा। एंड बिना कोई स्क्रैच किए या बिना हाथ लगाए बच्चे का आराम से क्रेडल कैप की जो स्किन उतरनी है वो उतरती जाएगी। अब बात करते हैं कि हम शैम्पू कौन सा यूज़ करें। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए हम बेबी शैम्पू ही यूज़ करें, माइल्ड शैम्पू हो, जेंटल शैम्पू हो, तो वो हमें यूज़ करना है। यहाँ पे मैं आपको ममा अर्थ का जेंटल क्लेंजिंग शैम्पू फॉर बेबीज़ दिखा देती हूँ। काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि वो जिस कंपनी का हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसी कंपनी का शैम्पू भी यूज़ करें, ताकि जो इफेक्ट है वो एक कॉम्बिनेशन में आए। तो ये जो शैम्पू है ये 0 to 5 ईयर्स तक के बच्चों पर आप यूज़ कर सकते हो। टीयर फ्री शैम्पू है, मतलब आँखों में नहीं लगता है। पीएच बैलेंस है इसमें 5.6 का, जो बच्चों स्किन के लिए, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। नेचुरल क्लेंजर्स है इसमें, कोकोनट ऑयल और जोजोबा ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स हैं, जिसका मतलब है कि चाहे आप डेली शैम्पू भी करो तो ये बालों को ड्राई नहीं छोड़ता है, बालों को सॉफ्ट छोड़ता है, बालों को शाइनिंग छोड़ता है और स्कैल्प को भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता है। कोई आर्टिफिशियल इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, बिल्कुल नेचुरल फ्रेग्रेंस है, तो वो बात भी इसमें काफी मुझे अच्छी लगी। तो आई थिंक दैट वेज ऑल्सो एज अ कॉम्बिनेशन दिस इज गुड। ये जो बॉटल है ये 200 ml की बॉटल है, ये 199 रुपीस की है। इनकी वेबसाइट पे आपको 400 ml की बॉटल भी मिल जाएगी, जस्ट इन केस यू वांट टू बाय एक लार्जर क्वांटिटी, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। बट सिंपल सा प्रोसेस है, अच्छी तरह से आप बच्चे के सिर पे शैम्पू लगाइए, बहुत लाइटली फिंगर्स से पूरे स्कैल्प को क्लीन कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि पूरे बालों में शैम्पू लग रहा है और उसके बाद पानी से आप इसे क्लीन कर लीजिए। अगर आप इनकी वेबसाइट पे इस शैम्पू के बारे में रिव्यू पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लोगों ने ये भी
बताया कि ये हार्ड वाटर में भी बहुत अच्छा फोम क्रिएट करता है और बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है, और काफ़ी लोगों ने ये भी देखा है कि इससे उनके बच्चों की हेयर फॉल भी कंट्रोल हुई है और डैंड्रफ में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मुझे लगता है कि दैट वेज ऑल्सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट जो आप अपने बच्चे के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो ऑयलिंग एंड वॉशिंग को रोज़ करने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप क्रेडल कैप में फ़र्क देखने लग जाओगे। इसके अलावा नॉर्मली आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस कंडीशन को टाइम देना है और ये स्टेप्स करने हैं ताकि ये कंडीशन अपने आप ठीक हो जाए। कबीर जो मेरा बेटा है जो अब 2.5 साल का होने वाला है, उसको भी आई थिंक 2nd या 3rd मंथ के अराउंड ये कंडीशन आई थी। ही वॉज नॉट बॉर्न विद दिस कंडीशन, बट 2nd-3rd मंथ के आसपास हमने देखा कि उसके सर पर ये थोड़ा थोड़ा फॉर्म होना शुरू हो गया है। हम भी इमीडिएटली डॉक्टर के पास भागे हैं, डॉक्टर ने हमें यही बोला कि कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, आप जो बेसिक केयर कर रहे हो वो करते जाइए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और हमने यही देखा कि अपने आप ठीक हो गया। हमने डेली उसको हेयर ऑयल लगाया और डेली उसे शैम्पू किया। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको रात को ऑयल लगा के छोड़ देना चाहिए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तब आप डेफिनेटली थोड़ा ऑयल लगा के छोड़ सकते हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 1 घंटा पहले नहाने से आपने ऑयल लगाया तो स्कैल्प को अच्छा खासा मॉइस्चर और नरिशमेंट मिल जाता है, और जब आपने वॉश किया तो जितनी भी डर्ट या जितनी भी पपड़ी सी जम रही है वो भी अपने आप क्लीन हो जाती है। टाइम लगेगा बट डेफिनेटली आपको आपका सॉल्यूशन खुद ही मिल जाएगा। यस, कुछ ऐसी केसेस जहां पे बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, ये जो कंडीशन है ये बढ़ रही है, ये स्प्रेड हो रही है कानों पे भी, आंखों पे भी, मुंह पे भी, बॉडी पे भी स्प्रेड हो रही है, उस केस में आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली भागना चाहिए। आपको दिख रहा है कि बच्चा खुद ईचिंग करना चाह रहा है, बहुत रो रहा है इसकी वजह से, तो आपको डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना चाहिए। इन केसेस में हो सकता है कि डॉक्टर आपको कोई स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंड करे जो स्पेसिफिकली इस कंडीशन को आराम देने में आपके बच्चे को हेल्प करेगा। हो सकता है कोई स्पेशल ऑयल हो या कोई स्पेशल शैम्पू हो जो बच्चे को इस टाइम पे हेल्प करे, बट ये सिर्फ डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स का होता है, क्या ये कंडीशन हार्मफुल है? बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि इस कंडीशन को लेके पेरेंट्स ज़्यादा वरिड होते हैं, बच्चों से बच्चे बिल्कुल चिल्ड आउट होते हैं, मजे में होते हैं, वो वर्ल्ड में आए हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। पेरेंट्स को ज्यादा लगता है कि हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, और मुझे लगता है कि इट्स फेयर ऑल्सो, राइट? अगर हमारे सर पे ऐसा कुछ हो जाए तो हमें लगेगा कि मुझे तो बारी बारी खुजली करने का मन कर रहा है या कितनी इरिटेशन हो रही है, तो हम उस तरीके से सोच लेते हैं बच्चों के लिए भी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चों के साथ भी हो रहा हो। जब तक बच्चा खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप बेसिक केयर करते रहो और बच्चा जो है ठीक हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के क्रेडल कैप को लेके, तो मुझे लगा मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना देना चाहिए। और ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स इस वीडियो में दिखाए हैं, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ममा अर्थ के पास बहुत ही मेजर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इनफैक्ट आप उनकी वेबसाइट से अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और आप मॉमकॉम का कूपन कोड यूज़ करते हैं MOMCOM20, तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलता है जो आप इन्जॉय कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं ऑनलाइन दूसरी साइट्स पे भी अवेलेबल हैं, काफ़ी रिटेल स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं, तो आप वो अपने एरिया, अपनी लोकेशन और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। ये एशिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड है, इनके सारे प्रोडक्ट्स डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, टॉक्सिन फ्री हैं, तो डोंट वरी, आप टेस्ट ज़रूर कीजिए, पैच टेस्ट करके देखिए, अगर आपके बच्चे को सूट करता है तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड एंड ट्राई इट। Hope this video was helpful. If yes, please hit on the like button, and thank you for watching MOMCOM India. Don't forget to subscribe to our channel.